Rahman Rahim. Today we will discuss nitrogenous bases. And as you all know, that nitrogenous bases are of two types, purines and the second is known as pyrimidines. Purine हमारे पास bicyclic compound होता है, जबकि pyrimidine हमारे पास monocyclic होता है. ये bicyclic क्यों होते हैं? क्योंकि ये two rings की fusion से बना हुआ होता है. This ring is known as imidazole and this ring is known as pyrimidine. तो imidazole और pyrimidine दोनों rings जब fuse हो जाते हैं तो इससे जो bicyclic compound बनता है, इस bicyclic compound को हम purines कहते हैं. Purine की example हमारे पास adenine है और guanine है. प्यूरिन की एग्जांपल की ट्रिक क्या है? प्योर एज गोल्ड, प्योर से प्यूरिन, ऐसे एडिनिन एनजी फोर गवानिन, या दूसरा ट्रिक प्योर एज सिल्वर यानी एजी, प्योर से प्यूरिन एफ ऐसे एडिनिन एनजी फोर जिसे गवानिन. ये दोनों रिंग हमारे पास नाइन मेंबर होते हैं. नाइन इज, अब तो ये बात किस तरह याद रखेंगे हमेशा के लिए कि हमारे पास प्यूरिन की जो रिंग है ये नाइन मेंबर होते हैं. तो अब देखिए एडिनिन और गवानिन, तो एडिनिन से एडी हटा के जो बचता है नाइन है, गवानिन की स्पेलिंग को देखिए जी यू ए हटा के जो बचता है वो नाइन बचता है. तो हम नंबरिंग हम कैसे कहां से स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, वन फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हम इसकी नंबरिंग करेंगे. तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. दूसरी रिंग की नंबरिंग हम टॉप वाली नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह क्लॉकवाइज हम इसकी नंबरिंग करेंगे. तो सेवन एट और नाइन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मतलब कि ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, यानी नाइट्रोजन और कार्बन से बना हुआ है. इसमें नाइट्रोजन की पोजिशन कहाँ पर है? तो नाइट्रोजन की पोजिशन हमारे पास पोजीशन नंबर वन पर नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर थर्ड पर नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर सेवन पर नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर नाइन पर नाइट्रोजन है. यानी वन थ्री सेवन नाइन पोजीशन पर नाइट्रोजन इस रिंग में पाया जाता है. या इस तरह भी याद करेंगे कि फाइव को छोड़ के इन रिंग में जितनी भी ऑड नंबर है वहां पर नाइट्रोजन होगा. तो फाइव को छोड़ के ऑड नंबर कौन कौन से इन रिंग में? वन थ्री सेवन नाइन. अच्छा, फिर प्यूरिन्स को याद करने के लिए नेक्स्ट ट्रिक ये है कि फोर एन सी और फिर ब्रैकेट से बाहर सी लिखें, यानी एन सी एन सी एन सी और फिर एन सी सी. देखिए जरा एन सी एन सी फिर एन सी एन सी सी, ठीक. अच्छा, अब इसमें से एक एमसीक्यूज बनता है कि प्यूरिन्स आर फाउंड इन, प्यूरिन सिर्फ डीएनए आरएनए में नहीं होते बल्कि प्यूरिन purine are a part of adenine, purine are also a part of guanine, GTP, ADP में भी purine पाया जाता है adenine, GTP guanosine triphosphate इसमें भी purine पाया जाता है guanosine, cyclic AMP में भी purine पाया जाता है adenine, in ADP nicotinamide adenine dinucleotides इसमें भी purine हमारे पास पाया जाता है adenine, coenzyme में भी हमारे पास adenine पाया जाता है. तो सिर्फ ये नहीं है कि प्यूरिन हमारे पास डीएनए आरएनए में पाया जाता है बल्कि इन कंपाउंड्स में भी प्यूरिन पाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास पायरिमिडीन है. पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक है, यानी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन टू डिफरेंट एलिमेंट से बनके से बना हुआ है. ये सिक्स मेंबर है. इसकी नंबरिंग हम बॉटम वाली नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह जाएंगे क्लॉकवाइज, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह नंबर वन ही हो गया, फिर ऐसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे. तो पायरिमिडीन मोनोसाइक्लिक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, टू डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है और ये सिक्स मेंबर है. इसमें नाइट्रोजन की पोजिशन, एक पोजिशन नंबर वन पर नाइट्रोजन है और एक पोजिशन नंबर थ्री पर नाइट्रोजन है. यानी इसमें भी वही बात कि फाइव को छोड़ के इन इस रिंग में जितनी भी ऑड नंबर है उधर नाइट्रोजन है, यानी ऑड नंबर फाइव के अलावा वन है और थ्री है. पायरिमिडीन में हमारे पास एज अ होल फोर कार्बन एंड टू नाइट्रोजन है. कितने कार्बन? अब कार्बन को गिन ले, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है और नाइट्रोजन हमारे पास टू है. इसको पायरिमिडीन को याद करने का ट्रिक क्या है? एन सी एन सी सी सी, यानी अब एन सी एन सी सी सी. एग्जाम्पल क्या है पायरिमिडीन की? पायरिमिडीन की एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन. तो एग्जाम्पल को याद करने के लिए क्या ट्रिक है? कट साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन, साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन.
अब इन तीनों में कौन सी चीज़ें मुश्तरक है या कामन है? पहली बात कि ये तीनों की तीनों रिंग्स मोनोसाइक्लिक होंगे, दूसरी बात कि ये तीनों की तीनों रिंग सिक्स मेंबर होंगे, और इनमें थ्री फोर कार्बन होंगे और टू नाइट्रोजन होंगे, यानी 1 2 3 4 फोर कार्बन है और टू नाइट्रोजन है। ये इसमें भी साइटोसिन में भी यूरेसिन में भी और थायमिन में, तीनों में ये चीज़ कामन है। जो नेक्स्ट कॉमन चीज़ है इन तीनों में वो इनकी नंबरिंग है। नंबरिंग बॉटम वाली पोजीशन से स्टार्ट होंगी, बॉटम जिधर नाइट्रोजन लगा है, और फिर हम इस तरह नंबरिंग करेंगे क्लॉकवाइज, यानी दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6। इन इसमें 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 तीनों में नंबरिंग सेम है। फिर तीनों में पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इसमें भी सेट साइटोसिन में भी नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 1 और 3 में है, यूरेसिल में भी नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3 है, थायमिन में भी नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 3 है। नेक्स्ट जो कॉमन चीज़ है इन तीनों में वो है कि दोनों नाइट्रोजन के बीच ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच ऑक्सो ग्रुप, और इस तरह इन दोनों नाइट्रोजन के बीच ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है। डिफरेंस क्या है फिर इन तीनों में? नंबर वन साइटोसिन, अगर पाइरिमिडीन रिंग के पोजीशन नंबर 4 पर जिधर कार्बन है, अगर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अटैच हो, इन टू ग्रुप अटैच हो, तो फिर इस पाइरिमिडीन को हम साइटोसिन कहते हैं, और साइटोसिन को टेक्निकली हम कहते हैं 2-ऑक्सी-4-अमाइनो-पाइरिमिडीन, तो दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ साइटोसिन। अच्छा, फिर यूरेसिल की बात करते हैं। अब इस पाइरिमिडीन रिंग की पोजीशन नंबर 4 जिधर कार्बन है, अगर यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो इसको हम फिर यूरेसिल कहते हैं। साइटोसिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है? बस कि साइटोसिन में पोजीशन नंबर 4 पर एनएच2 ग्रुप होगा, यूरेसिल में पोजीशन नंबर 2 पर ऑक्सो ग्रुप यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, तो इसको हम यूरेसिल को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? 2,4-डाइऑक्सीपाइरिमिडीन। नेक्स्ट थायमिन है, थायमिन में पोजीशन नंबर 4 यानी ये सेम टू सेम यूरेसिल की तरह है, यूरेसिल में भी पोजीशन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल और थायमिन में डिफरेंस क्या है कि थायमिन में पोजीशन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप भी होता है। पोजीशन नंबर 5 पर अगर मिथाइल ग्रुप हो आ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं थायमिन, और थायमिन को हम टेक्निकली कहते हैं 2,4-डाइऑक्सी-5-मिथाइल-पाइरिमिडीन। सो अगर हम यूरेसिल की इधर कार्बन नंबर 5 पर इसकी जगह CH3 लगाए तो फिर इस यूरेसिल को हम थायमिन कहेंगे। थायमिन जो कि DNA में पाया जाता है, और यूरेसिल जो कि RNA में पाया जाता है, इस थायमिन की वजह से जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, DNA इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू RNA। पाइरिमिडीन से भी सिंपल है, देखिए अगर दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, अगर प्यूरिन के पोजीशन नंबर 6 पर जिधर कार्बन है, अगर इधर पोजीशन 6 पर NH2 ग्रुप हो, अमाइनो ग्रुप हो, तो फिर इस प्यूरिन को हम कहेंगे एडिनिन, और एडिनिन का टेक्निकल नेम है 6-अमाइनो-प्यूरिन, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन नंबर 6 पे क्या क्या चीज़ मौजूद है? अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अब अगर यही अमाइनो ग्रुप आ जाए पोजीशन नंबर 2 पर आ जाए, और पोजीशन नंबर 6 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो फिर इस प्यूरिन का नाम होगा गवानिन, और गवानिन इस गवानिन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? 2-अमाइनो-6-ऑक्सी-प्यूरिन, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पर अमाइनो ग्रुप है और पोजीशन नंबर 6 पर ऑक्सी ग्रुप है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्यूरिन।